दोस्तों आप कितने भी पुराने ब्रीडर क्यों ना हो, अगर आप कितने भी बड़े ब्रीडर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बर्ड का फार्म क्यों ना हो आपके पास, दोस्तों अगर आपने बजीज पैरट नहीं पाला तो फिर क्या पाल लिया, अगर आपने बजीज पैरट नहीं रखा तो क्या रखा। क्योंकि दोस्तों बजीज पैरट एक वो बर्ड है जो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाता है, आपके शौक को बुलंदियों तक लेके जाता है। बजीज पैरट एक वो बर्ड है जिससे आप सीखते हैं बर्ड रखना और बर्ड से मोहब्बत करना। दोस्तों बजीज पैरट एक वो बर्ड है जिसके अंदर आपको लाखों तरीके के डिज़ाइन, मार्किंग और एक से एक अच्छी म्यूटेशन देखने को मिल जाती है। दोस्तों बजीज पैरट वो बर्ड है जो कि आपको अट्रैक्ट करता है बर्ड पालने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं बजीज पैरट परचेज करते टाइम हमको क्या करना होता है, कहाँ से बर्ड परचेज करने होते हैं और क्या देखना होता है बजीज की क्वालिटी में, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो वो सारी बातें आपको आज की वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले तो आप बर्ड की हेल्थ देखा करें, उसका जो बैठने का तरीका है, बर्ड का जो एक्टिविटी है वो देखा करें, बर्ड के फैदर देखा करें कि उसके फैदर पूरे हैं या नहीं हैं, बर्ड गंजा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें दोस्तों देखनी होती हैं। बर्ड की आंखें देखनी होती हैं, बर्ड के पंजे देखने होते हैं, बर्ड की चेस्ट वाली बोन देखनी होती है, कहीं बर्ड हमारा सोखड़े में तो नहीं है, सूखे में तो नहीं है। दोस्तों बर्ड की वेंट देखनी होती है, कहीं बर्ड को मोशन तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि किसी किसी बर्ड को मोशन लगा हुआ होता है उसकी वेंट से पता चल जाता है, और मोशन लगा हुआ बर्ड के काफ़ी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन फैलाने के और ख़ुद भी मर जाने के। तो इन्फेक्शन लगा हुआ जो बर्ड होता है उसको मोशन ज़रूर लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों बर्ड के फैदर देखने होते हैं, कहीं बर्ड कपकपा तो नहीं रहा, पर फुला के तो नहीं बैठा हुआ, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप हमारे बर्ड देखें, माशाल्लाह बर्ड के कलर देखें, बर्ड का एक्टिविटी देखें, बर्ड कोई पर फुला के नहीं बैठा हुआ, और इस टाइम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि मौसम ख़राब है, ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम है, फिर भी देखें बर्ड हमारा हाँफ रहा है, क्योंकि मैंने इसको अभी जस्ट पकड़ा है बड़े केज में से, और देखें किसी भी तरीके से बर्ड हमारा फूल कर नहीं बैठा होगा, कोई मोशन नहीं होगा हमारे किसी बर्ड को, एक्टिविटी से पता चल रहा होगा कि ये एक हेल्दी बर्ड है। अब दोस्तों हमको क्या क्या चीज़ देखनी होती है बर्ड में, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बर्ड को पकड़ के दिखाता हूँ। देखें दोस्तों ये है बर्ड हमारे पास, ये एक मैंने बर्ड पकड़ा है और ये हमारे घर का बच्चा है, अब माशाल्लाह बड़ा हो चुका है, एक दो महीने बाद ब्रीड पर भी आ जाएगा। ये देखें बर्ड को इस तरीके से पकड़ें, सबसे पहले इसकी आंखें देखें, इसकी आंखों में किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, ये देखें आंखें साफ़ हैं इसकी बिल्कुल, दूसरी आंख भी देखें साफ़ है, इसकी बीक देखें, बीक इसकी ज़्यादा बड़ी भी ना हो, इसके पंजे देखें, इसके पंजे बिल्कुल ठीक हैं, इसके नाखून बिल्कुल ठीक हैं, किसी तरीके का कोई नाखून नहीं टूटा हुआ इसका, इसका मतलब यह है कि इसकी कभी फाइट नहीं हुई और ये बिल्कुल बढ़िया बर्ड है, ख़रीदने लायक है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा बर्ड दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको फैलो के बारे में बताऊँगा कि फैलो बर्ड क्या होता है, क्योंकि फैलो बर्ड की बड़ी डिमांड रहती है मार्केट में। यह आपको दिखाता हूँ मैं फैलो बर्ड पकड़ के, जो कि हमारे घर का बच्चा है, वो भी उसका साइज़ दिखाता हूँ माशाल्लाह मैं आपको, और हैं तो दोस्तों सारे ही अच्छे साइज़ के, लेकिन फैलो की हाथ के पहचान भी हो जाएगी आपके लिए कि फैलो बर्ड क्या होता है। ये आप देखें कि मेरे पास फैलो बर्ड है। दोस्तों फैलो बर्ड की एक तो आइज़ बिल्कुल लाल होंगी, रेड आई होगा वो, ठीक है। देखें माशाल्लाह इसका साइज़ देखें और आँखें देखें इसकी बिल्कुल लाल हैं, इसको बोलते हैं फैलो बर्ड। फैलो बर्ड जो होता है, सारे रेड आई बर्ड दोस्तों फैलो नहीं होते, क्योंकि रेड आई कॉमन बर्ड जो होते हैं वो डैक होते हैं, उनके किसी भी कोई डिज़ाइन नहीं होता उनकी बॉडी पे। इसके देखें बॉडी पे डिज़ाइन भी दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखें वेंट बिल्कुल क्लियर है, कोई मोशन नहीं है, ये देखें ये फैलो की पहचान है, आँखें लाल और फैदर पर डिज़ाइन, ये स्पॉट देख रहे हैं, ये स्पॉट होता है फैलो के ऊपर। तो दोस्तों ये सब चीज़ें पहचान है। वैसे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बर्ड परचेस करते टाइम हमको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। फैदर वैदर उसके खोल के देखें बिल्कुल पूरे हैं या नहीं है, और चोंच देखें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी चोंच है तो समझ लिया उसको कोई डिजीज़ है। दोस्तों डिजीज़ जो होती है वो कुछ कैल्शियम की डिफिशेंसी की वजह से बर्ड की जो चोंच है वो बढ़ने लग जाती है। अब आपको हमारे बर्ड की कोई चोंच बढ़ी हुई नज़र नहीं आ रही होगी। दोस्तों जब बर्ड की बॉडी में कैल्शियम का खेल बिगड़ जाता है तो उसकी चोंच जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है और उल्टी सीधी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसी चोंच नहीं होनी चाहिए बर्ड की, बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए जैसे आपको हमारे बर्ड की नज़र आ रही है। जैसे आपको हेल्थ हमारे बर्ड की नज़र आ रही है ऐसी हेल्थ होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो बर्ड। दोस्तों साथ में एक बात और बोलूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि बर्ड को कंपेयर करते हैं दूसरे बर्ड से, जो कि दोस्तों मार्केट के बर्ड्स होते हैं, मार्केट के जो प्राइस होते हैं उन बर्ड्स को और उन प्राइसेस को बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एक अच्छे ब्रीडर के पास से जाकर कंपेयर करने लगते हैं। मेरे पास जैसे कि कुछ कॉल्स आते हैं कुछ ब्रीडर्स लोगों के, जो कि हमसे पूछते हैं कि आसिम भाई हमारे पास अच्छी अच्छी म्यूटेशन है बजीज की, और हमारे पास कोई अगर बर्ड मांगता है या बर्ड परचेस करने की बोलता है तो हम उसको बर्ड दिखाते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्राइस बताते हैं।
लेकिन दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको कुछ समझ नहीं होती बर्ड की क्वालिटी के बारे में, बर्ड की म्यूटेशन के बारे में, बर्ड के कलर के बारे में उनको समझ नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, तो दोस्तों वो कंपेयर करने लग जाते हैं मार्केट के प्राइस को और एक अच्छे बर्ड के प्राइस को। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट का जो प्राइस होता है वो एक अलग प्राइस होता है, शॉप का प्राइस अलग होता है, और जो एक अच्छा बर्ड है, जो जिस बंदे ने मेहनत करके उस बर्ड को तैयार किया है, बहुत सारे ब्रीडर्स हैं जो काम करते हैं बर्ड पे, उनके जो प्राइसेस होते हैं वो अलग होते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मायूस हो जाते हैं या फिर बुरा मान जाते हैं कि भाई आप हमको उस रेट में क्यों नहीं दे रहे बर्ड्स। तो ऐसे लोगों से मैं ये बोलूँगा, अगर आपको सस्ते बर्ड चाहिए और ख़राब बर्ड चाहिए तो दोस्तों आप ये करें कि शॉप से जाके ले लें ख़राब बर्ड्स। अच्छे बर्ड चाहिए तो दोस्तों आप ब्रीडर से कॉन्टैक्ट करें, आपके शहर में एक से एक अच्छे ब्रीडर मिल जाएंगे आपको, उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे अच्छी बर्ड लें आप। ख़राब बर्ड चाहिए तो आपको दुकानें भरी पड़ी हैं बर्ड से, आप वहाँ से ले लिया करें। तो दोस्तों मैं फिर बोलूँगा, अच्छी बर्ड आपको एक अच्छे ब्रीडर के पास मिल सकती है, ख़राब बर्ड और सस्ती बर्ड आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो कभी भी प्लीज़ किसी भी ब्रीडर से आप प्राइस को कंपेयर ना करें, और सभी ब्रीडर के अपने अपने एरिया के हिसाब से, अपने अपने सिटी के हिसाब से, अपने अपने स्टेट और कंट्री के हिसाब से प्राइस सेट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में जो मैंने आपको थोड़े से ये बर्ड दिखाएं पकड़ के, ये भी आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। लेकिन दोस्तों ये मैंने आपको थोड़े से बर्ड दिखाएं, अभी इससे भी ज़्यादा और इससे भी अच्छे अच्छे कलर के मेरे पास बर्ड हैं जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाए हैं, वो आगे की वीडियो में दिखाता रहूँगा, क्योंकि एक वीडियो में थोड़े से ही बर्ड दिखा सकते हैं जिसमें कि आप अच्छे से देख सकें उनको। बहुत सारे दिखाएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कौन सा बर्ड कब देखना है। तो आपको माशाल्लाह ये सारे बर्ड मेरे अच्छे लगे होंगे, बर्ड की क्वालिटी अच्छी लगी होगी, कलर अच्छे लगे होंगे। तो इसी चीज़ पर दोस्तों हम काम करते हैं, और आप भी अच्छा काम करें, अच्छे बर्ड रखें और बर्ड के साथ टाइम स्पेंड करें, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लेंगे, चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें।